सुबह बखैर। सुबह बखैर। वो शख्स कौन है जिसे उठाकर लाए हो? सईद। सईद? हाँ, वो मशहूर लड़का। हाँ, इसने सोहरा को अगवा किया था। ओफ, समझ गई मैं। वही ना जिसने फिक्र साहब की बीवी को अगवा किया था। बेचारा बिला वजह फंस गया, अफसोस हुआ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। हाँ, मेरी लिपस्टिक गिर गई थी। कैसे पकड़ा तुमने इसे? एक साजिश के तहत, और फिर ये मेरे काबू में आ गया। जोहरा कहाँ है? पता नहीं। मैंने कहा कहाँ है? जहन्नुम में होगी। पहेलियां मत बुझवाओ जाकिर, सीधे बताओ मुझे कहाँ है वो। मुझसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो इससे पूछेंगे। यही बता सकता है कि जोहरा कहाँ है। इससे जानने के बाद कि जोहरा कहाँ है, इसकी लाश कुत्तों के आगे डाल देना। इससे मालूमात निकलवा के क्या करना जानता हूँ, और इसके इतने टुकड़े करके फेंकूंगा कि कुत्तों की भी ईद हो जाएगी। ठीक है। जब्बार, यहां से हरगिज मत हिलना तुम। तलाशी लो इसके पास। वाह 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 वाह, इधर दो। फोन निकालो इसका। फोन नहीं है इसके पास। फोन पे बात कर रहा था वो, अच्छी तरह देखो। अच्छी तरह जैकेट के अंदर की जेब भी देखो। नहीं है भाई। टेलीफोन कार्ड है आपके पास? जी बिल्कुल है। दे दे। कभी मुझे तुम ओ यारा छोड़ के ना जाना, और जो वादा किया तुमने उससे तो मेरी जान जरूर निभाना। अब ये कौन है? सईद, खुदा के लिए फोन उठाओ मेरा। जल्दी करें, इतनी देर क्यों कर रही हैं आप? कब से खड़ा हुआ हूं मैं? सईद, फोन उठाओ मेरा फोन।
चलो अच्छा हुआ सही, नींद खराब हो गई तुम्हारी, जाग गए तुम है? माफ करना मुझे, तुम्हें किसी खूबसूरत ख्वाब से जगा दिया, मुझ में यही एक बुरी आदत है। और वैसे भी इंतकाम की आग मुझे जल्दबाज बना देती है। तुम ये फैसला नहीं कर सकते कि जीत और हार किसके हिस्से में आएगी। तुम हवा का रुख बदल नहीं सकते, वो अपनी मर्जी के मालिक है। तुम बेबस हो जाकर, किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। वाह 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 वाह, पत्थरों पर नक्शो निगार बनाने वाला शायरी कर रहा है हमारे सामने। शायद लफ्जों का बाजीगर होता है और मैं पत्थरों का हूं, सख्त तरीन पत्थर में भी एक कमजोर जगह होती है। मेरा काम उस कमजोर जगह को ढूंढना होता है, यही असल महारत है। तुम इतने खुशकिस्मत इंसान नहीं कि तुम्हारी महारत यहां चल पाए, क्योंकि मुझ में कोई नर्म हिस्सा नहीं। मान दो इसे। जवेरिया, जवेरिया, जवेरिया उठो, उठो ना जवेरिया, जवेरिया। सईद कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं है जवेरिया। इब्राहिम, सईद कहाँ है बताओ मुझे। इब्राहिम बताओ, मेरा बेटा जिंदा है ना? जिंदा है, हाँ वो जिंदा है। वो कहाँ है अभी? इब्राहिम बताओ मुझे, वो कहाँ है? जाकिर, उसे लेकर चला। उसे ले गया है, लेकिन कहाँ? देखो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि उन लोगों से बात मत करना वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कितनी बड़ी आजमाइश में आ गए हम। अल्लाह हमारी मदद करे। इब्राहिम, रुवेदा, रुवेदा तुम्हारे साथ है ना इब्राहिम? हाँ, मोड़ो गाड़ी, गाड़ी मोड़ो अभी, हम अपनी बेटी को लेने जाएंगे। इब्राहिम गाड़ी मोड़ो, मोड़ो, मुझे रुवेदा के पास जाना है, मेरा सईद भी आ जाएगा, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चलो। रुवेदा मेरे साथ नहीं है। कैसे, कैसे? रुवेदा को किसने अगवा किया? इब्राहिम चलो गाड़ी मोड़ो। इब्राहिम मैंने कहा गाड़ी मोड़ो, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। इब्राहिम मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता जवेरिया, वो तुम्हें भी ले जाएगी। इब्राहिम गाड़ी रोको, जवेरिया तुम खुद जाओ। पागल हो गई हो जवेरिया, रुक जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। जवेरिया रुक जाओ, बेटा हादसा हो जाएगा, समझने की कोशिश करो। रोको गाड़ी इब्राहिम। जवेरिया रुक जाओ, जवेरिया रुक जाओ, मुझे नीचे उतरना है। बहुत समझने की कोशिश करो, हादसा हो जाएगा, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। रुवेदा, तुम कई घंटों से अंदर बंद हो, जिंदा भी हो या मर गई? अगर भूख लगी है तो आ जाओ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। बात सुनो, ये बताओ तुम घर से भागी क्यों हो? अब तुम कौन होते पूछने वाले? मलाहत ने बताया, बता रही थी कि तुम घर से भागी हो जैसे तुम्हारी माँ भागी थी। क्या तुम भी मलाहत जैसी हो? वो दौलत शोहरत को बहुत ज्यादा पसंद करती है। चुप क्यों हो बताओ?
मैं कहाँ गई हूँ? अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ, छः सौ, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, हज़ार, बारह सौ, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। ये रकम तो बहुत कम है मेरे लिए। माफ कीजिएगा, क्या आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मुझे, काम करो अपना। ये क्या किया तुमने यार, इसे भी भगा दिया। तुम्हें कहा है ना ये तुम्हारा काम नहीं है, मान क्यों नहीं लेते मेरी बात? बस भी करो यार, हद करते हो तुम्हें। जवेरिया, रुक जाओ जवेरिया, कहाँ जा रही हो तुम जवेरिया? सही तो रोहिदा के पास। जवेरिया रुक जाओ, तुम सदमे से अपने हवास खो बैठी हो, होश में आओ जवेरिया। मत लगा मुझे, जाने दो। जवेरिया रुक जाओ, रुक जाओ जवेरिया, रुको। सईद अभी जाकिर के कब्जे में है, वो तुम्हें भी ले जाएंगे, मान जाओ मेरी बात। क्या करूँ फिर, मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दूँ? इब्राहिम मुझे सिर्फ सच बताओ, सईद और रोहिदा को कहाँ लेकर गए हैं वो लोग? जवाब दो मुझे। वो सईद को नाइट क्लब ले गए। और रुहेदा, क्या वो भी वहीं पर है? रुहेदा मेरे पास नहीं आई थी जवेरिया। क्या? लेकिन तुमने कहा वो यहीं है, रुहेदा तुम्हारे साथ थी। मैंने झूठ बोला था। क्यों, किस लिए? इब्राहिम तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने बच्चों को भेज दिया बेशरम आदमी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। करना पड़ा मुझे, कोई चारा नहीं था। रुहेदा का इस्तेमाल किया तुमने घटिया आदमी, तुमने मेरे बच्चों को कातिलों को भेज दिया, तुमने कातिलों का साथ दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। क्यों किया तुमने ऐसा घटिया इंसान? अपने बच्चों के साथ कौन करता है? जवेरिया रुक जाओ, मैं मजबूर था जवेरिया। सईद को कई बार मैंने कहा कि उनसे मत उलझे, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें अपनी इज्जत और वकार का जरा सा भी पास नहीं, तो बहुत बेशरम इंसान हो इब्राहिम। मैं तबाह बर्बाद हो चुकी हूँ, तुमसे शादी करने का पछतावा मेरे कब्र तक जाएगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। जवेरिया रुक जाओ जवेरिया, मेरी बात सुनो जवेरिया। उनका मसला सईद नहीं जोहरा है, जोहरा के बारे में बताओ, जोहरा कहाँ है? देखो मुझे बता दो ताकि मैं सही सलामत करा किया के सपोर्ट कर दो, इसी सूरत में सईद वापस आ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बता दो जोहरा कहाँ है? अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें, इब्राहिम दफा हो, हटो मेरे रास्ते से। नहीं जवेरिया, बता दो मुझे जोरा कहाँ? चली गई वो, कोई नहीं जानता कहाँ गई वो। रुक जाओ केली, कहाँ जा रही हो? पुलिस के पास जाऊंगी, उन्हें सब बता दूंगी मैं, जाकिर ने सईद को अगवा किया है। देखो एक मिनट रुक जाओ, रुको, तुम पुलिस के पास नहीं जा सकती, सईद जाकिर के कब्जे में, सईद को खतरा है, उधर वो लोग उसकी जान के दुश्मन बने हुए, जरा सी हिमाकत हमें अपने बेटे से महरूम कर देगी। बात समझने की कोशिश करो, हम किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते, समझ रही हो तुम? कहाँ जा रही हो जवेरिया, कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ।
पता नहीं कहाँ जाऊंगी मैं। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुश्किल आसान कर दे। अली या जैकेट उतारो अपनी। कुछ कहा? करा क्या फैमिली से उलझने का अंजाम क्या होता है? आज अच्छी तरह समझा दो इसे। मारो मारो ना इसे। कैसा ही है? तुम ही वो बेवकूफ हो जिसके बारे में हर कोई बात करता रहता है। ठीक है, वही हूं मैं। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या हूं मैं? हाँ बोलो, क्या हूं मैं बताओ मुझे। मालिक की फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागने वाले कुत्ते हो तुम, सुना तुमने? खुश आमदीद जी, कहिए। बहुत शुक्रिया। हेलो, मुझे पूछना था कि रहने की गुंजाइश है यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल। सिंगल रूम चाहिए? ठीक है, एक रूम खाली है। कितने पैसे? 5,000 रुपए। ठीक है, मैं देती हूँ। ठीक है, अपना आईडी कार्ड दीजिए मुझे। शनाख्ती कार्ड? जी हाँ बिल्कुल, जरूरी है ये तो। लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं अभी। ठीक है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट? देखिए, इन चीजों के बगैर तो मैं आपको कमरा नहीं दे सकता। क्या एक रात के लिए भी इजाजत नहीं है? माजरत, मुझे इजाजत नहीं है। आपका शुक्रिया। आपका भी। सब कुछ बिखर सा क्यों गया है? हम बर्बाद क्यों हो गए? हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे, बदल जाएगा सब, सईद कहता था हमेशा। लेकिन वक्त हमें फिर उसी डगर पर ले आया है जहां हम पहले थे। तो क्या हुआ? मायूसी तो कुफ्र है ना।
देखो जिद मत करो, फौरन गाड़ी में बैठ जाओ। जाओ यहाँ से तुम। हाँ बोलो शरीफा। हाँ तुम्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूँ? हाँ जवेरिया को लेकर गए कहाँ हो तुम आखिर? चिल्लाना बंद करो, मुझे क्या करना चाहिए था? क्या सईद के साथ मैं जवेरिया को भी उन लोगों के हवाले कर देता? और मेरे बारे में क्या सोचा? हाँ इस सूरत हाल में मुझे छोड़ के चले गए तुम? क्या क्या उन्होंने कुछ किया? अरे कैसे करते, मैं भी अपने नाम की एक हूँ, लेकिन ले जाते ना मुझे भी साथ में, तब एहसास होता तुम्हें। ठीक है मुझ पर चीखना बंद करो। चीखूंगी मैं, अगर जरूरत पड़ी ना तो टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। सारी मुसीबतें मैं उठाऊं यहाँ पर और तुम उसके साथ सैर को निकल जाओ। अब वो कहाँ है, क्या चले गए? अभी तक है, चाय पी रहे हैं, इसके बाद खाना खाएंगे। ये तुम क्या बातें कर रही हो? फौरन घर पहुँचो इब्राहिम, फौरन। चीखना बंद करो, आ रहा हूँ मैं। इब्राहिम मरेंगे इंशाल्लाह। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीज, हटाओ जल्दी। जवेरिया, जवेरिया रुको जरा, एक मिनट रुक के मेरी बात सुन। छोड़ो मुझे, छूने की कोशिश भी मत करना। देखो बात सुननी पड़ेगी मेरी। छोड़ो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। छोड़ दो मुझे, बस थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा छोड़ो। मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ, चलो। नहीं आना मुझे। समझने की कोशिश करो जवेरिया, चलो। नहीं जाना तुम्हारे साथ। चलो इब्राहिम छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। जवेरिया गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठकर बात करते। देखो जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो। जवेरिया गाड़ी में बैठो। नहीं जाना मुझे। जवेरिया जाने दो मुझे। गाड़ी में बैठो, मैंने कहा ना। देखो इस तरह मत करो, गाड़ी में बैठकर बात करते। मुझे चलो, कोई बात नहीं चलो करनी। दरवाजा खोलो। जो किया तुमने काफी नहीं था? हाँ इब्राहिम दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। शोर नहीं करो, ऐसा ना करो कि जैसे मैं पीछा कर रहा हूँ तुम्हारा। बताओ मुझे कहाँ जाना चाहती हो तुम? तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा मैं। हाँ मैं तुम्हें बता दूं ताकि तुम जाके जाकिर को बता दो, है ना? ऐसी कोई बात नहीं, समझी? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, बेवकूफ समझा है मुझे? अच्छा जवेरिया जैसे तुम्हारी मर्जी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे, बताओ कहाँ जा रहे हो? चुप हो जाओ। देखकर नहीं चल सकते? सब दिखता है। बदतमीज कहीं के, यार ना मुझे सब्र दे, सब्र दे। खुशामदीद, खुशामदीद, क्या खिदमत करूं? कमरा मिल सकता है यहाँ? बिल्कुल। अकेली हो क्या तुम? आईडी कार्ड बताओ। वो नहीं है मेरे पास। हाँ ऐसे तो काम नहीं होगा, आईडी कार्ड तो लाजमी है। कितने दिन रहना है वैसे? बस कुछ ही दिन शायद। अगर 4-5 दिन रहोगी तो आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है। किराया कितना? 1000 रुपये पर डे। ठीक है 5 दिन रह लूंगी यहाँ मैं। क्या एडवांस के बिना नहीं होगा? ये लो रूम नंबर 303। क्या हाल है स्वीटी? डाइट पीस है ये भी। क्या हुआ हसीना, अकेली क्यों आई हो तुम? जाने दो, छोड़ दो मुझे। तुम्हें कहा ना रुक जाओ, रुको।
क्या हो रहा है यहाँ पे? बोल में खुशामदीद। रखो अपने बाकी पैसे। बस बस जान नहीं लेनी इसकी। अली अब लगे तुम मेरे बेटे, मार मार के बुरा हाल कर दिया इसका, लेकिन जिंदा रखना भी जरूरी है। जाओ अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अभी तो बेटे ने मारा है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। अभी से थक गए क्या? थूकता हूं मैं तुम्हारे चेहरे पे। ऊपर मेरी तरफ देखा, अभी तो तुम्हारा हशर होना बाकी है। अब बताओगे जोरा का है? कुछ नहीं सीखा तुमने जाकिर, अब तक समझ नहीं सके मुझे। यही कहा था ना तुमने कि तुम्हें किसी का डर नहीं, और ये कि मैं मौत से भी नहीं डरता। तुम्हारी जिंदगी को मैं ऐसे कर दूंगा सईद कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगे मुझसे। तो बेहतर होगा कि जोहरा का पता बता दो, वरना तुम्हारे अंजाम से मुझे खुद डर लग रहा है। कर लो साकिर, कर लो तुम्हें जो करना है। चुपचाप अंदर चलो, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रोहिदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने के लिए। फिर जाकिर के क्लब जाकर सईद को छुड़वाना है। मैं कुछ भी करूंगा, अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। मिलने की कोशिश मत करना, वादा किया था ना, वादा किया था ना कि तुम सईद के साथ कुछ नहीं करोगे। अब या तो ये लड़की यहाँ पर रहेगी या फिर तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्या मतलब है इसका? आप मेरे बड़े भाई की वजह से हमला हुए, रेस्टोरेंट आ जाए, बात करनी है। अगर तुम नहीं बताओगी कि मेरा भाई कैसे मरा तो फिर मैं जाकिर को बताऊंगा कि सच क्या है।